नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हमारी जर्नी जो स्टार्ट हो रही है वो समृद्धि महामार्ग नागपुर मुंबई के स्टार्टिंग पॉइंट से होने वाली। तो ये है दोस्तों आपका क्लोवर लीफ, इससे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। राइट साइड जो है वो आपका श्रीनगर जम्मू और कोलकाता के लिए हाईवे निकलेगा, और फिर हम सीधा जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं समृद्धि महामार्ग। तो दोस्तों हम लोग नागपुर के समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच चुके हैं, और यहां से हमारी जो जर्नी स्टार्ट होगी, शुरू होगी, वो वर्धा तक होगी। तो चलिए जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आपका स्क्वायर आ गया है, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला है। चलिए अब हमारी जो गाड़ी है वो एक्सप्रेसवे पर मर्ज हो रही है। आप मुंबई की डिस्टेंस देख सकते हैं, किस तरीके से, डिस्टेंस नहीं कह लीजिए, डायरेक्शन कह लीजिए, वो दिखाई दे रही है, और आगे हमें बोर्ड दिखाई देगा क्या क्या है। समृद्धि एक्सप्रेसवे में नागपुर के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर जो आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं, शिरडी 530 किलोमीटर, मुंबई आपका 770 किलोमीटर। तो ये एक तरीके से जीरो पॉइंट है नागपुर का, और ये एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे है। तो चलिए जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही क्या क्या पड़ता है उसे हम देखते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि ये है आपका एक्सेस कंट्रोल हाईवे। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि अगल बगल फेंसिंग है, और साथ ही डिवाइडर में कोई कट नहीं। आपको एग्जिट एंट्री पास के जरिए ही इससे आप बाहर और आप साथ ही अंदर आ सकते हैं। तो आगे हम उसको भी कवर कर, अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और हमारी जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी, हम 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, और 100 का भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। और साथ ही बोर्ड पे साइकिल और साथ ही बाइक अलाउ नहीं है फिलहाल। अभी इनिशियल स्टेज पर बाइक अलाउ हो गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में भी बाइक अलाउ है, उसका भी टोल लगता है, बट यहाँ पर बाइक अलाउ नहीं है। ऑलरेडी आपका लेफ्ट साइड में आपका या राइट साइड में आपका सर्विस रोड दिया है बाइक के लिए, या जो भी विलेज वाले लोग हैं उनके लिए, क्योंकि एक अगर मान लीजिए क्रॉस करना है एक विलेज से दूसरे विलेज, तो जगह जगह पर डक्ट स्ट्रक्चर बने हैं, रोड भी बना हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्रॉस नहीं कर सकता। फर्स्ट लेन दोस्तों ओवर टेकिंग का होता है, जैसा कि मैं अभी इस ट्रक से कर रहा हूँ ओवरटेक, और फिर उसके बाद अगर आपको नॉर्मल चलना है तो फर्स्ट लेन को छोड़ के बीच वाले लेन में आ जाइए। टोटल 6 लेन आप कह सकते हैं, वैसे तो देखा जाए तो 8 लेन का है, बट अगर आपको चलना है तो ये 3 लेन है जिसमें बीच में हम चल रहे हैं थोड़ी हाई स्पीड में, मतलब 80 के आसपास। गाड़ी दोस्तों हमारी 105 की स्पीड से चल रही है, जहाँ पर हमें कंफर्ट लग रहा है। ये एक स्पीड है जो कि 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और स्मूथ राइड फील हो रही है। गाड़ी अब दोस्तों 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। सामने जो विजन है काफी दूर तक चीजें दिखाई दे रही है, तो इससे जो रोड है वो काफी सेफ हो जाता है। अब हम ट्रक को ओवरटेक करेंगे। इंडिकेटर मैंने राइट साइड का जला दिया है, चलिए अब हम ओवरटेक करते हैं इस ट्रक को, दो ट्रकों को। याद रखिएगा ट्रक वाले अगर लेन चेंज करते हैं तो बकायदा इंडिकेटर के साथ करते हैं, पर ओवरटेक करते हुए आप हॉर्न एक बार जरूर बजा दीजिए। गाड़ी दोस्तों 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और साथ ही ये आप एग्जिट देख सकते हैं जो कि बुटीबोरी नाम की जगह है उसके लिए कटा हुआ है। यहाँ से आप यू टर्न भी ले सकते हैं, इसके लिए पहले आपको नीचे उतरना पड़ेगा और बाद में अंडर ब्रिज के जरिए आपको वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी सी स्पीड हम स्लो कर दिए, फिर भी 90 की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है समृद्धि महामार्ग पर। गाड़ी दोस्तों लगभग 115 की स्पीड से चल रही है, यहाँ 120 का इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। तो चलिए हम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस गाड़ी को समृद्धि महामार्ग पर चलाते हैं। तो ये देखिए 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, जो कि कंट्रोल तरीके से चल रही है। टोल
टोल गेट आगे 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर पड़ेगा, तो देखते हैं यहाँ का चार्ज कितना है। तो ये है दोस्तों आपका नागपुर से निकलने मतलब समृद्धि महामार्ग के जो भी आपका 0 पॉइंट है उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये टोल आपका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से टोल काम करता है। यहाँ ब्रेकर कहीं नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। गाड़ी को मैंने स्पीड स्लो कर दी है और जस्ट ये फास्ट टैग काम किया, वैलिड टैग है। चलिए अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। दोस्तों कीप हेडवे 200 मीटर, इसका ये मतलब होता है कि जो आगे वाली गाड़ी का बैक साइड और जो पीछे वाली गाड़ी का फ्रंट साइड दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर होना चाहिए, जो कि सबसे सेफ है इस रोड के हिसाब से, क्योंकि हमारी गाड़ी की स्पीड जो है वो 100, 110, 120 के आसपास चलती है। बगल में दोस्तों आप फेंसिंग देख पा रहे हैं, इसीलिए ये एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, कोई भी जानवर कोई भी लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इस एक्सप्रेसवे को अगल बगल से बाउंड्री के जरिए या फेंसिंग के जरिए ब्लॉक किया गया है। हालांकि यहाँ पर आरसीसी का आपके ब्लॉक यूज हुआ है, जैसा कि मैं देख मुंबई जो है 756 किलोमीटर अभी हमें बता रहा है साइड वाले बोर्ड में, और यहाँ भी 756 किलोमीटर मेन बोर्ड में लिखा हुआ है। और यहाँ पर पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही है लेफ्ट साइड में, अभी हमने उसको थोड़ी देर पहले क्रॉस किया था। दोस्तों मुंबई 750 किलोमीटर और वर्धा लगभग 45 किलोमीटर के आसपास बचा है। ये देखिए आगे एक बोर्ड आ रहा है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। मुंबई 749 किलोमीटर और साथ ही आपका जो सिंधी ड्राई पोर्ट है वो 8 किलोमीटर है यहाँ से। गाड़ी वंदे भारत की स्पीड से चल रही है। ये दोस्तों सिंधी सेल्डो के नाम से जो जगह है वहाँ से आपका एग्जिट पास दिया गया है, मतलब समझ लीजिए बोटी बोली के बाद ये आपका एक अगला एग्जिट पार्ट है लगभग 12-13 किलोमीटर के बाद। आपको हर जगह ये देखने को नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही ये देखने को मिलेगा। और उस तरीके से पहले से बता दिया जाता है 500 मीटर पहले आपको एग्जिट होना है, लेफ्ट साइड होना है, ये सब सारी। शिरडी 502 किलोमीटर, मुंबई 749 किलोमीटर। और साथ ही जितने भी ये सर्विस रोड है या नीचे आप उतरते हो तो वहाँ टोल रोड रहता है, मतलब टोल रहता है। उससे क्या होता है कि जितना भी डिस्टेंस आप कवर करोगे उतना वो काट लेगा। मान लीजिए मुझे यही पर उतरना है अगर, तो गाड़ी दोस्तों कंटिन्यू 100 की स्पीड में चल रही है और यकीन मानिए कि मुंबई तक ये बन जाएगा। हालांकि सीढ़ी तक बन गया है, आप 8 से 9 घंटे में पहुँचेंगे। लगातार उसी स्पीड पर गाड़ी चल रही है, कहीं कम नहीं हो रही है टोल के अलावा, भी थोड़ी बहुत कम होती है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू अभी 100 के ऊपर ही चल रहे हैं, स्पीड है लगभग 110 के आसपास। 80 की स्पीड में तो ऐसा लगता है कि गाड़ी रेंग रही है, बहुत स्लो चल रही है ऐसा लगता है। वर्धा दोस्तों 26, पुलगांव 53 और अमरावती 139 किलोमीटर। रियली दोस्तों 110-120 की स्पीड से गाड़ी लगातार कंटिन्यूसली चल रही है इस एक्सेस कंट्रोल हाईवे में। दोस्तों गाड़ी की जो स्पीड है वो 110-120 के आसपास चल रही है और जो मेरे स्क्रीन में या डिस्प्ले जो हो रहा है वो
आपका इकोनॉमी पर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सबसे कम तेल लग रहा है, इधर लग रहा है। सोचिए आप इस स्पीड से पेट्रोल भी बचा रहे हैं, देखा जाए तो आइडियली उसी स्पीड से चल रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, और तेल भी कम बच रहा है, तेल भी कम यूज हो रहा है। दोस्तों हम लोग को आगे बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें अरवी के लिए एग्जिट आप हो सकते हैं 2 किलोमीटर के बाद, जो कि NH 647 आपको मिलेगा अगर आप एग्जिट होते हैं तो उस रोड पे आप पहुंच जाएंगे। बेटा और कितना तेज चलाऊं, गाड़ी 110 की स्पीड से चल रही है। वो अब तेज, ये 110 बहुत तेज होता है, 110 की स्पीड से गाड़ी कंटिन्यू इसी स्पीड में चल रहे हैं, लगा ऐसा रहा है बहुत स्लो चल रहे हैं ना, तो स्लो नहीं चल रहे हैं, बहुत स्पीड में चल रही है गाड़ी। दोस्तों अभी हम लोग उस पॉइंट से 76 किलोमीटर आ चुके हैं, और 76 किलोमीटर का समय जो लगभग हमने 76 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो लगभग हमने तय किया है, लगभग अगर मैं बताऊं लगभग 45 मिनट के आसपास दोस्तों 77 किलोमीटर का ट्रैवल हमने किया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ों को काट के ये रास्ते, जो कि बिल्कुल ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है, जो कि बिल्कुल नए जगह पर बना हुआ है। देखिए दोस्तों किस तरीके से खूबसूरत नजारा आपको दिखाई दे रहा है समृद्धि एक्सप्रेसवे का। और नीचे जानवरों के पास है लेकिन बहुत सारी जगह पर ढक बनाए गए हैं। तो ये सब दोस्तों देखिए किस तरीके से ओवर पास आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से जानवर पास होने के लिए ये बनाया गया है दोस्तों, ये कोई रोड नहीं है, ये जानवरों के लिए ओवर पास, इसका मैं पहले भी वीडियो पर जिक्र कर चुका हूँ। तो ये है आपका समृद्धि एक्सप्रेस में बने ओवर पास। दोस्तों हम लोग वर्धा वाला जो मोड़ है उससे आगे निकल आए हैं, उस समय आइडिया नहीं लगा, बट चलिए ठीक है हम लोग आगे से टर्न लेंगे जो भी एग्जिट हमें मिलेगा। अभी हमारा डिस्टेंस 78 किलोमीटर लगभग हो चुका है। दोस्तों जो अगला एग्जिट आ रहा है वो अरवी के लिए आ रहा है, वहाँ से हम टर्न लेंगे, तो हम लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जर्नी फिर से घूम के वापस एक्सप्रेस वे में आ जाएगी, उसका भी पार्ट 2 आएगा, वो जरूर देखिएगा, अलग अलग पार्ट में मैं बनाऊंगा इस चीज को। तो चलिए आगे हमें इंस्ट्रक्शन मिल गया है अरवी के लिए लेफ्ट साइड मुड़ने का। अमरावती दोस्तों केवल 97 किलोमीटर बचा है, उसके से 1 घंटा लगेगा अगर एक्सप्रेस वे से हम जाएंगे। अरवी के लिए आपका इंस्ट्रक्शन 500 मीटर का है, उसके बाद ये नेशनल हाईवे 347A मिलेगा, फिर से हम उससे रोटेट होके फिर से एक्सप्रेस वे में आ जाएंगे। प्रॉपरली इंडिकेटर दिखा दीजिए लेफ्ट साइड मोड़ने का, तो दिखा दिया है और गाड़ी लेफ्ट साइड मोड़ रही है, स्पीड लिमिट 40 कहा गया है पर धीरे धीरे करके स्पीड हम कम कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस 81 किलोमीटर, और लगभग जो हमें समय लगा 81 किलोमीटर का 50 मिनट लगा, काफी अच्छा एवरेज। ऐसे ही हम नीचे एग्जिट के जरिए दूसरे रोड में आते हैं तो हमें टोल मिलता है, टोल हिसाब कर लेगा कि हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो उस हिसाब से हमारा जो चार्ज है वो डिडक्ट हो जाएगा। अब हम लोग वापस नागपुर की तरफ निकलते हैं।